हेलो दोस्तों, तो अगर आप लोग भी फिश शॉप में कुछ इस टाइप की डरी हुई पैरेट फिशेस देखते हैं तो प्लीज ऐसी डरी हुई पैरेट फिशेस को बाय मत कीजिएगा, क्योंकि ये आपके टैंक में आने के बाद भी बहुत ही ज्यादा डरी हुई रहेगी। और अगर आप रेस्क्यू करना चाहते हैं तब आप इस टाइप की फिशेस को बाय कर सकते हैं। लेकिन मेनली यही देखा गया है, जो फिश इतना ज्यादा डरती है वो आपके टैंक में आने के बाद भी काफी दिनों तक, कई बार काफी सालों तक भी वो ऐसी डरी हुई रहती है, और उसका डर को खत्म कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसी फिशेस सावधान रहिए अगर आप एक न्यू हॉबिस्ट हो तो।